भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 के आज के महामुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। जी हां, शुरुआत में भले ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप्स बनाई, लेकिन अचानक रविंद्र जडेजा का दूसरा स्पेल भारतीय टीम के लिए संकट मोचक साबित हुआ। सबसे पहले स्टीव स्मिथ और उसके बाद मार्नस लाबुशेन, जो कि जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे, उन्हें यहां पर रविंद्र जडेजा ने 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन भेजा। भारत फिलहाल 30 ओवर गेंदबाजी कर चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रन्स बनाने का मौका नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला जरूर किया। ये हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि भारत 250 के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को रोकता है तो भारत के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे जीतने के, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 250 के पार चली जाती है तो इस मैदान के इतिहास के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर चेस करना आसान नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा ने अपने स्पेल में जबरदस्त गेंदबाजी की है। 5.2 ओवरों में अब तक 18 रन देकर 2 विकेटें रविंद्र जडेजा ने हासिल कर ली है, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फिलहाल 30 ओवर के अंदर 119 पर 4 है और टॉप ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है भारतीय गेंदबाजों ने। मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन को पवेलियन भेज दिया है। ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी फिलहाल क्रीज पर डटे हुए हैं, इनको यहां पर साझेदारी की जरूरत है। यहां पर 1 या 2 विकेटें अगर और मिलती हैं टीम इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया पर और तेजी से शिकंजा टीम इंडिया कस सकती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।